नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके लेग में क्रैम्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली मैं बात करेंगे अगर आपकी काप मसल्स यानी पिंडलियों के अंदर दर्द हो रहा है, जिसको रूटीन में बोलते हैं कि सर क्रैम्स आ गया है, पेन हो रहा है, कई बार लोग बोलते हैं कि सर मरोड़ आ गई है, एंठन हो गए हैं, बहुत सी जगह इसको बाइंटे आना भी कहते हैं। तो यानी अगर आपकी काप मसल्स या पिंडलियों में दर्द होता है, और दोस्तों वे भी पर्टिकुलरली देखा गया कि जो काप मसल्स का पेन है ये यूजुअली नाइट में, रात में जब आप सो रहे होते हैं तो उस टाइम अचानक आपको एक बहुत तेज दर्द उठता है, और ये दर्द होता है इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री स्पाज्म या क्रैम्प होता है। इनवॉलेंट्री से मतलब यह है कि आपके कंट्रोल में उस टाइम ये मसल आपके कंट्रोल में नहीं है, और अपना आप ही आप सो रहे हैं गहरी नींद में और अचानक एक तेज दर्द उठेगा, सडन इस तरह का एक दर्द आएगा जिससे आप देखेंगे स्टिफनेस आ गई है, आपकी जो मसल है वो रिजिड होगी, आपके कंट्रोल में नहीं है, और एकदम तेजी से उसमें आप जकड़न, एंठन या बाइंटा आना या क्रैम्प आप फील करेंगे, और इतना तेज दर्द होगा कि आपको नींद से उठा भी देगा, और उसके बाद भी ये दर्द बना रहता है। ये दर्द की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो कई बार ये कुछ सेकंड्स के लिए होता है, और कई बार ये पेन जो है काफी लंबे समय तक, मतलब कुछ मिनट्स के लिए भी रह सकता है, और उस टाइम पीरियड में अक्सर आपका जो काप मसल है, वो पिंडलियां हैं, उसमें दर्द भी होता है, और ये आपके कंट्रोल में नहीं होती, उसमें अपना आप ही एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता रहता है। तो इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों हम बात करें कि दर्द किसको हो सकता है, तो देखिए मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो है अक्सर देखा गया कि जो फीमेल से महिलाएं हैं उनके अंदर जो है ये ज्यादा, मतलब देखा गया इसके केसेस फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिले। तो इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या होते हैं वो तो हम समझ ही गए कि भाई ये सिम्टम होता है रात में आप सो रहे हैं, दिन में भी कई बार होता है, बट मेनली नाइट के अंदर इस तरह का अचानक आपकी काफ या पिंडली में दर्द होगा। दोस्तों अगर इसके कारण को हम समझें कि ऐसा क्यों होता है, तो देखिए कारण की बात करें तो इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो एटलीस्ट मैंने मेरी क्लिनिक में देखा है वो होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होना। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होना, आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी होना, कई बार आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम पोटासियम वगैरह की डिफिशियंसी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा कि आपकी बॉडी में कैल्शियम विटामिन D3 न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो जाती है तो उसके कारण जो आपके मसल्स होते हैं उसपे एक स्पाज्म होता है, और ये स्पाज्म जो होता है अक्सर ये नाइट के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है, और आपको पिंडली के दर्द या काप मसल पेन हो सकता है। दोस्तों उसके बाद की अगर हम बात करें तो कई बार हो सकता है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो, यानी वो लोग जिनको की वाटर इंटेक काफी कम है, यानी अगर आपको पानी बहुत कम पी रहे हैं, या कई बार आपकी ऐसी कोई जॉब हो सकती है जिसके कारण होता है, कई लोगों की हैबिट ही कम होती है कि वो पानी कम पीते हैं, कई लोगों के अंदर जो है वो काम ऐसा है कि बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और वो पानी जो है प्रॉपरली इंटेक नहीं कर रहे, तो डिहाइड्रेशन की जो कंडीशंस होती है, कई बार कई मेडिकल कंडीशंस भी होती है जिसमें भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो उसके कारण भी आपको काप मसल पेन हो सकता है। कई बार ये देखने को मिल सकता है कि वो लोग जिनका बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में हो सकते हैं या और कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है, आपका लंबे समय तक स्टैंडिंग का काम है, आपका लंबे समय तक बैठे रहने का काम है, तो ऐसी कंडीशंस में भी कई बार आपको काप मसल्स में पेन हो सकता है। मैंने बताया कि जो फीमेल्स है, महिलाएं हैं, उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, और उसका भी कारण है दोस्तों फीमेल्स के अंदर पर्टिकुलरली जो उनका प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है, या जो मेनोपॉज के आसपास का जो टाइम पीरियड होता है, पोस्ट मेनोपॉजल जो कंडीशंस होती है, इस टाइम पीरियड के अंदर भी देखा गया कि इस तरह का जो दर्द होता है, पेन होता है, वो काफी ज्यादा ऐसे केसेस उनको देखने को मिलते हैं। और उसके साथ में वो लोग जो थोड़ा एज्ड हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन जब आप थोड़ा एज हो जाता है 50+ का जो एज ग्रुप है, तो उनके अंदर देखने को मिलता है कि धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होने लगती है, जैसा हम बात कर रहे थे, हमारी बॉडी के जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, ये भी धीरे धीरे जो है थोड़ा सा वीक होने लगते हैं, और उसके कारण भी आपको काप मसल्स का पेन आ सकता है। कई बार हो सकता है आप कई तरह की मेडिसिन पे हो, ऑलरेडी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है और आप कई तरह की मेडिसिन खा रहे हो सकते हैं, जैसे कि आप हाइपर टेंशन यानी हाई बीपी के लिए आपके डॉक्टर साहब जो है आपको डाययूरेटिक्स लिख सकते हैं, जो यूरिन का फ्लो बढ़ाने वाली मेडिसिन है। कई बार आप जो है स्टेटिन पे हो सकते हैं, कई बार मान लीजिए आप नेप्रोसिक्स पे है, और इसी तरह से बहुत सी कई तरह की ड्रग्स या मेडिसिन होती है, तो उसका भी जो है एज ए साइड इफेक्ट आपको काप मसल पेन आ सकता है। दोस्तों कई बार हो सकता है कि लंबे समय तक कोई लंबी बीमारी है आपके शरीर में, जैसे कोई हार्ट से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको हम कहते हैं PAD पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकती है, उसी तरह से कई बार पार्किंसन जैसी कंडीशन हो सकती है, या आपको जो है MS या मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन हो सकती है। तो कई बार इस तरह की कोई जो हो सकता है कि लंबे समय तक बीमारी और उसके कारण भी ये हो सकता है।
तो दोस्तों हमने समझा कि काफ मसल पेन या पिंडलियों का जो दर्द है क्या होता है और क्या इसके पॉसिबल कारण हो सकते हैं उसके बारे में हमने बात की। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए ट्रीटमेंट की बात करें तो मैंने कहा कि जो मोस्ट कॉमन कारण जो मैंने देखा है वो होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाना और विटामिन D3 की डिफिशियंसी हो जाना। तो आपके लिए सबसे अच्छा रहता है कि अगर इस तरह का आपको पेन है तो आप सबसे पहले एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवा लें। ब्लड टेस्ट के अंदर पर्टिकुलरली आपको अपनी बॉडी का जो कैल्शियम है, सीरम कैल्शियम और विटामिन D3 इनका टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। और अगर इनकी आपकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी है तो दोस्तों इसको जो है आप थोड़ा सा अपना डाइट के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करके नेचुरली भी आप इसको ठीक करने की कोशिश करें। और मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप कैल्शियम और D3 की आपकी बॉडी में डिफिशियंसी आ रही है तो कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से आप नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं। और अगर इनकी काफी ज्यादा डिफिशियंसी है तो इसके अंदर जो आपके ढुकसाब होते हैं वो आपके लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी एडवाइस कर सकते हैं, जिससे एक बार तेजी से आपका जो बॉडी है उसके अंदर इनका लेवल नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जैसे ही इनका लेवल नॉर्मल होगा आप देखेंगे तेजी से आपको इसमें रिलीफ आ गया। दोस्तों इसी के साथ के अंदर होम्योपैथी के अंदर भी आप जानते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो काफ मसल या पिंडलियों का दर्द है उसके अंदर आपको रिलीफ देती है। और जो मेडिसिन है तो आप जानते हैं कि मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर पर्टिकुलरली जो होता है आपके सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली दी जाती है और सिम्टम पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहता है। आपके नॉलेज के लिए कि रूटीन में कौन कौन सी मेडिसिन होती है जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम लोग यूज करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो मैंने सबसे अच्छी देखी है इसके ऐसे केसेस के अंदर वो है क्यूप्रम मेटेलिकम। दोस्तों क्यूप्रम मेट को 30 पोटेंसी के अंदर आप दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार दे सकते हैं और मैंने देखा कि ज्यादातर केसेस के अंदर क्यूप्रम मेट बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, इसके सिम्टम्स आपसे मैच होना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो प्लम्बम मेट भी इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और प्लम्बम मेट भी यूजुअली 30 पोटेंसी में काफी अच्छे रिजल्ट देती है और इसको दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार दिया जा सकता है। नेक्स्ट एक और मेडिसिन जो ज्यादातर केस में मैंने देखा कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है वो कैल्केरिया कार, इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार दिया जा सकता है। मेडिसिन आप जाते हैं कि डाइल्यूशन फॉर्म में भी आपके डॉक्टर आपके लिए दे सकते हैं, ग्लोब्यूल फॉर्म में भी दे सकते हैं और हो सकता है इनके अलावा और भी कोई मेडिसिन होती है जो आपके लिए आपके डॉक्टर साहब आपको दे सकते हैं। मैंने रूटीन में आपके नॉलेज के लिए कुछ मेडिसिन के नाम शेयर किए जो ज्यादातर केस में अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों ये वो मेडिसिन है जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, बट जरूरत होती है कि आप अपने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करें और उनके गाइडेंस में प्रॉपरली आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और उसी के साथ के अंदर आपको प्रॉपर डाइट भी लेना चाहिए और कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस वगैरह होती है वो भी आपकी हेल्प करती है। दोस्तों अगर आप इन सबको करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो काफ मसल्स का पेन है, पिंडलियों का दर्द है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत तेजी से ये ठीक हो जाता है और आपको रातों में जगने की जरूरत नहीं होती इस दर्द के कारण। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको काफ मसल्स पेन, पिंडलियों का दर्द, पर्टिकुलरली नाइट के समय जो दर्द होता है उसके बारे में जो जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।